नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फ्रूट के मिल्क शेक बनाएंगे जो कि बिल्कुल नेचुरल होंगे। इसमें आइसक्रीम भी नहीं डालेंगे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स के साथ इसे बनाएंगे हम। तो गर्मियों में ठंडे ठंडे मिल्क शेक पीजिए, बहुत हेल्दी हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और बस इसमें आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि इन्हें बनाते ही पीना है, रखने पर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट कैसे भी फ्रूट हो वो एसिडिक होते हैं और अगर दूध के साथ मिलेंगे तो वो थोड़ी देर में ख़राब हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आपको तुरंत बनाना है और पीना है, इसे रखना नहीं है। तो आइए इस हेल्दी से और टेस्टी से मिल्क शेक की रेसिपी को हम बनाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसके लिए पाउडर बनाया है। इसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और मींग और मगज, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं अपने पसंद के, वो डालकर उन्हें पीस लिया है। और उसमें मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है। तो अगर 5 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 5 चम्मच ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर लिया है, तो इससे बहुत हेल्दी मिल्क शेक बनेगा और टेस्टी तो मिल्क पाउडर से बनेगा ही। तो ये हम डालकर देखिए हमारे मिल्क शेक बनाएंगे। तो ये सबसे पहले आम वाला बनाते हैं हम, देखिए। तो ये आम लिया है आधी छोटी कटोरी, ये सब मैं 1 गिलास का मेजरमेंट बता रही हूँ सारे ही फ्रूट शेक्स में। इसमें हम ये 1 चम्मच मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट का मिक्स डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें 200 ml दूध लिया है मैंने, इससे एक बड़ा गिलास आपका मिल्क शेक बनेगा। तो देखिए ब्लेंड किया और ये हमारा मैंगो शेक तैयार है। अब हम एप्पल का बनाएंगे। तो एप्पल के साथ देखिए मैंने डेट्स लिए हैं, बहुत अच्छे डेट्स बाज़ार में मिल जाते हैं। तो ये इसमें से बीज निकालेंगे हम, ये बहुत सॉफ्ट वाले हैं। तो 2 डेट्स लेंगे और आधी एप्पल ली है मैंने 1 गिलास के लिए। तो एप्पल और ये डेट्स डालेंगे और वही मिल्क पाउडर का पाउडर डालेंगे इसमें और 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास दूध, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एप्पल और डेट्स का शेक तैयार है, बहुत टेस्टी। अब चीकू का बनाएंगे हम। तो एक मैंने बड़ा चीकू लिया है 1 गिलास के लिए। इसमें वही 1 चम्मच ड्राई फ्रूट मिक्स डालेंगे हम, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 200 ml दूध डाला है, और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए चीकू का मिल्क शेक तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे कीवी से। तो कीवी थोड़ा खट्टा होता है, तो 1 कीवी ली है इसमें मैंने मीठी वाली, और 3-4 टुकड़े हम केले के डालेंगे, तो थोड़ा जो खट्टा है वो बैलेंस हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट मिक्सचर डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और वही 200 ml दूध, और इसे ब्लेंड करके ये कीवी का मिल्क शेक तैयार है हमारा। नेक्स्ट देखिए हम पाइनएप्पल को बनाएंगे। तो पाइनएप्पल को पहले हम थोड़ा पानी डाल के इसको अकेले ही थोड़ा मिक्स करेंगे मिक्सी में, और इसे हम छान लेंगे ताकि थोड़ा कोई पाइनएप्पल का रेशा हो तो वो निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह पाइनएप्पल का पल्प निकाल लिया है हमने। अब इस पल्प को हम डालेंगे मिक्सी में और थोड़ा केला, क्योंकि ये खट्टा है, और वही ड्राई फ्रूट और चीनी डालेंगे और दूध डालेंगे। तो ये हमारा पाइनएप्पल का मिल्क शेक भी तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे बनाना का। तो 1 केला लिया है और वही 2 डेट्स लिए हमने। तो बनाना और डेट्स का बनेगा ये मिल्क शेक। वही 1 चम्मच चीनी डालिए, ड्राई फ्रूट मिक्स डालिए और 1 गिलास दूध डालेंगे हम। तो ये बनाना और डेट्स का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी शेक रेडी है। लास्ट हम बनाएंगे पपाया शेक। तो बहुत थोड़ा सा पपाया लिया है इसके लिए हमने पका हुआ। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, ड्राई फ्रूट मिक्स डालेंगे और इसमें हम रोज़ शरबत डालेंगे या सिरप, कोई भी रोज़ वाला फ्लेवर का मिले आपको, उससे बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें दूध डालेंगे 200 ml और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत कलरफुल हमारा पपाया शेक बन के तैयार है। तो ये देखिए मैंगो शेक है, एप्पल का शेक है, चीकू का शेक है, कीवी का शेक है, पाइनएप्पल है एंड बनाना एंड खजूर है, और ये पपाया शेक। तो ये हमारे सभी शेक बनके तैयार हैं। इनमें हम ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजाएंगे। तो ये बिना आइसक्रीम के देखिए बहुत ही हेल्दी हमारे फ्रूट शेक तैयार हैं।